इब्रानियों 12 के 7 पद में लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। मेरे प्रियो, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, उसको थोड़ा बहुत मारते पीटते हैं, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसको समझाते हैं। तो परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है, वो हमें अपना पुत्र समझकर हमारे ऊपर ताड़ना को भेजता है, ताकि हम जो कार्य करते थे गलत, उन कार्यों से फिरकर हम प्रभु के मार्ग पर आ जाए। इसलिए कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। और कहता है नीति वचन 15 के 8 पद में, वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 27 के 10 पद में लिखा है, मेरे माता मेरे पिता तो मुझको छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। मेरे पियो, इस संसार में आपको सब छोड़ दे, अपने छोड़ दे, पराये छोड़ दे, जान पहचान वाले छोड़ दिए, दोस्त नात छोड़ दे, हर एक छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और उससे प्रसन्न भी होता है। वो हमारे संग रहता है। मेरे पियो, फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय में वास करेगा तो हम क्या होंगे? हम आनंदित होंगे। कैसे? जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में कष्ट आती है, तो हम उन परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु वचनों के द्वारा हमारे अंदर एक सामर्थ्य देगा और वो सामर्थ्य हमें एक आशा देगा और उसके द्वारा हम आनंदित होंगे। इसलिए यह कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। भजन संहिता 119 में लिखा है, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तू अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। हम कष्टों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। हालेलुया। और यह कहता है यूहन्ना 16:24 पद में, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और जब हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, मेरे पियो, तो कह रहा हूँ, प्रभु अपने अनुसार अपने इच्छा से वो हमारे जीवन में आशीषों को भेजता है। हो सकता है आप 10,000 सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, नौकरी के लिए, प्रभु मुझे इस जगह में 10,000 नौकरी के लिए लगा दे सैलरी के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके लिए 25,000 के लिए रखा है। तो आप प्रार्थना कितने के लिए कर रहे हैं? 10,000 के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कितना रखा है? 25,000 रखा है। आपकी इच्छा क्या है? 10,000, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? 25,000। तो किसमें फायदा है? प्रभु की इच्छा को मांगने में। प्रभु जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरी हो, ताकि मेरा जीवन, मेरा घराना उस आशीषों के द्वारा आशीषित हो जाए। हालेलुया। इस समय बहुत से भाई बहन डरे हुए हैं। मेरे पियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है। यशायाह 54:4 कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, प्रभु हर एक महामारियों में, हर एक कष्टों में, हर बीमारियों में वो आपको बचाएगा, वो बचाएगा आपको। आप उससे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिलिपियों 4 की तरह कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दें, मारना पीटना चालू कर दें कि मेरे पास प्रभु का सामर्थ्य है। नहीं नहीं, वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि ये वचन तब लागू होता है जब कष्टों में पड़े हुए, जब समस्याओं में पड़े हुए, कोई सहायता करने वाला नहीं है, उस समय प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा और जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं पियो, हम प्रभु के वचनों को अध्ययन करके अपने दिल रूपी पटिया पर हम लिखने वाले हो जाए,
क्योंकि जब हम संकटों में पड़ते हैं, मुसीबतों में पड़ते, बीमारियों में पड़ते हैं, तो ये वचन हमारे अंदर से निकलता है और ये वचन हमें कहता हूँ एक आशा प्रदान करती है, एक शांति प्रदान करता है। वो शांति आपके हृदय में से निकलेगी और आपको शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। इन वचनों को अपने जाने पहचाने में लोगों सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि वो भाई बहन भी इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।